जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने जो है ना सारे सेटअप की अच्छे से सफाई वगैरह किया। अभी आप मेरी हालत देख ही सकते हैं कि भाई साहब भाई कितनी ज़्यादा बुरी हुई पड़ी है। मेरे सारे कपड़े जो है ना पसीने से भरे हुए हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं, आपको पीछे से किस तरह से दिखाऊँ, ये मेरे आप सारे जो कपड़े हैं ना पसीने से जो है ना पूरे गिले हुए पड़े हैं। तो अभी मैंने कमरे की भी अच्छे से सफाई वगैरह की है, अंदर से कमरा अच्छे से धोया। देखें आप तो अच्छा सा हो गया, अब कितना साफ सुथरा लग रहा है। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के रेडी होता हूँ। फिलहाल सभी चूज़ों को मैं दाना वगैरह डालने वाला रह गया, तो दाने वगैरह डालते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैं ना धो के रेडी हो चुका हूँ। तो फिलहाल आज का खुद सीन इस तरह का है कि अभी दाना वगैरह डालना मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। सारे सेटअप की किए, सफाई वगैरह, छत हमारी जो है ना, देखें अब इस साइड का व्यू चेक करें, रैबिट्स भी बाहर आए हुए हैं। दोस्तों दुआ करें मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मौसम नहीं ठीक होने का नाम ले रहा, बारिश भी नहीं हो रही। और अभी मुझे कोई न्यू कबूतर इधर उड़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैं अपने कबूतर अभी अपने कबूतर जो है ना उड़ाने लगा था ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। लेकिन हमारे से कोई एक कबूतर भी पकड़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं क्या है। इन चूज़ों को मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है, ये चूज़े नहीं अब हमारे माशरे से बड़े बड़े हो चुके हैं, बस मुर्गियाँ ही बनने वाली हैं। हमारे में से कुछ देसी मुर्गियाँ, ये माशाल्लाह से देखें, ये देसी मुर्गी है, वो देखिए देसी मुर्गा बन गया। ये है सारा साल अंडे देते हैं, और जो असील होते हैं आपको पता है असील थोड़े से अंडे देके 10-12 अंडे देते हैं, फिर कुड़क हो जाते हैं, पारा उन्होंने मार लेना। तो फिलहाल ये देसी अंडे माशाल्लाह से ये देसी चूज़े भी निकलवाए थे ताकि हम अंडे खा सकें। ये भी एक देसी हमारी मुर्गी है, ये भी देसी माशाल्लाह से मुर्गी बनी है, और ब्लैक उस साइड पे एक मुर्गी खड़ी है वो भी देसी है, और ये मुर्गा माशाल्लाह से बन गया। ये फ़ायदा हो गया है, तीन मुर्गियाँ और एक मुर्गा, इन्हें इसलिए बंद करके रखा हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े सांस ले जा रहे हैं, गर्मी आप देख ही सकते हैं, सभी का मुँह खुला हुआ है। चलो भाई आ जाओ बाहर, क्या मसला है, ये रैबिट्स भी बिता रहे हैं इधर, आ जाओ। ये ना आपस में करते थे थोड़ी, इनको दाना वगैरह नहीं खाने देते, ये बड़ जो हमारे चूजे हैं, ये हमारे असील भी हैं कुछ, ये इनको मारते हैं। ये इनको पहले मैंने दाना वगैरह डाल दिया, इन्होंने पेट भर के खा लिया। अब चलो भाई ये खा लेंगे, दाना वगैरह रखा हुआ है, दाना वगैरह खा लेंगे। और हमारे जो छोटे वाले चूजे हैं, हाँ भाई दाना वगैरह ख़त्म ही कर दिए, इनको भी दाना वगैरह रख दिया मैंने। ओ भाई बाहर नहीं आना, एक बाहर निकल आया, वो देखें इसे पकड़ के बंद करते हैं, क्योंकि बड़े वाले हमारे जो चूजे हैं, बड़े वाले हमारे छोटे वाले को मारेंगे माशाल्लाह से। ये भी बस इनके साइज़ के बराबर होने ही वाला है, ये हमारा जो चूजा है ना माशाल्लाह सभी बड़े हो गया। एक चूजे की टांग टूट गई थी, मरा, बाकी दो गर्मी की वजह से मरे हैं, बाकी सभी बड़े हो गया। बस आपने दुआ की, ये भी सभी बड़े हो जाए, तो फिर आपको मैं एक या दो गिफ्ट कर दूंगा, गिव अवे करेंगे, तो इंशाल्लाह से आपको भी ये जूते इनमें से कुछ मिल जाएंगे। तो आपने बस कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा कमेंट करना, फिर आपको भी एक जोड़ा गिफ्ट करूंगा। तो बस आपने जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। थोड़ा सा चैनल पर प्रॉब्लम आई हुई है, मसला वगैरह बना हुआ है दोस्तों, वो दुआ करें जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इंशाल्लाह से रिकवर कर लूँगा। आपका भाई आपको पता है रिकवर कर लेगा। और इसको जल्दी से पकड़ता हूँ और इसको बंद करता हूँ। अभी मैंने जो है ना कमरे की अच्छे से सफाई वगैरह किया, रैबिट्स अंदर चले गए हैं, अंदर जाके गंदगी वगैरह करेंगे। और दोस्तों एक मसला ये बन गया हमारा, जो वो थे ना बाजरे का थैला था, वो फाइनली सारा ख़त्म हो चुका है। एक थैला मैं लेके आया था फुल, तो ओ भाई साहब इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। हाँ भाई ओए इधर बैठे हुए हैं। मैंने अब ना ये इस पहले इन्होंने ना हमारे कबूतरों ने इधर अंडे दिए थे इधर, अब मैं चेक वगैरह कर रहा हूँ भाई साहब, और अंडे वगैरह तो नहीं दिए। दोस्तों एक बच्चा निकला था, मैंने आपको तो पता ही होगा, एक बच्चा निकला था अंडे में से, तो वो भी मर गया बेचारा। वो भी ना किस तरह से मरा वो अभी एक कहानी बताता हूँ, मुझे बाद में पता चली है। फीमेल ने ना अपने बच्चे को खुद ही मार दिया, वो बच्चा जो है ना खुद अंडे से नहीं निकल रहा था, फिर मैंने हाथ से अंडे को तोड़ा, वो बच्चा निकाल के फीमेल के नीचे रख दिया। फीमेल ने अभी मैं वीडियो वगैरह पड़ी होगी तो मैं साथ में अटैच कर दूंगा, बच्चा बेचारा मर गया था। फीमेल ने ना अपने बच्चे को ही मार दिया, वक्त से पहले जो है ना बच्चा नहीं निकल रहा था, टाइम पूरा हो गया था, बच्चा वगैरह बना हुआ था, तो हमें तो पता था कि बच्चा नहीं निकल रहा, लेकिन बच्चा वगैरह निकाल के मैंने फ़ीमेल के नीचे रख दिया, फ़ीमेल ऊपर बैठी रही है। मैं कुछ टाइम के बाद आया तो देखा बच्चा वगैरह मरा हुआ था, फ़ीमेल ने बच्चा उठा के बाहर फेंक दिया। आपको पता है वीडियो साथ मैंने आपको कुछ दिन पहले बनाई भी थी,
तो भाई साहब काफ़ी गुस्सा आ रहा है फीमेल पे। अब फिर से इन्होंने अंडे वगैरह देने हैं, बस क्रास वगैरह हो रहे हैं, इंशाल्लाह से बहुत जल्द अंडे वगैरह आ जाएंगे सेटअप पे, तो बच्चे वगैरह भी निकालते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा हैंड टेम, हमारा जो बेबी पिजन था वो इधर हमने दीवार पे बिठाया था हैंड टेम, कुछ दिन वो भी बेचारा हमारा उड़ गया। तो इनमें से कोई जो बच्चा निकलेगा वो हम हैंड टेम करेंगे इंशाल्लाह से, वो हाथ पे ट्रेन करेंगे। तो भाई साहब काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि हमारा एक अब जो भी बच्चे निकलते हैं ना वो मर जाते हैं, निकलते ही नहीं हैं। तो दुआ करें हमारे कबूतर जल्दी से जल्दी बच्चे निकाले, फिर उनमें से एक बच्चा उठा लेंगे हैंड टेम करेंगे। तो आपको पता है मैंने एक 3 कबूतर जो है हैंड टेम किए थे, अगर वीडियो पड़ी होगी साथ में अटैच कर दूंगा तो आपने देखनी। ये हमारा जो बेबी पिजन जो है ना हैंड टेम था फुल, तो बेचारा इधर मैंने बिठाया, आपको पता ही है इधर हमने बिठाया, फिर बेचारा इधर से उड़ा, फिर हमें मिला ही नहीं। तो यार क्या कह सकते हैं, हमारा ये मुर्गा जो है ना भाई साहब, इसका दिन ब दिन पाँव का मसला बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए बड़े बड़े मुंह खोल के सांस ले जा रहा है, और भाई साहब इसको बाहर निकाल के आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसका पाँव का क्या मसला है। थोड़ा सा ना पाँव उठा के चलता है, तो इसे जल्दी से निकालते हैं बाहर। हाँ दाना वगैरह ले आए, ओए गिर जाएगा। तो अभी थोड़ा सा दाना वगैरह मैंने मंगवाया तो ये दुकान से, तो थैला वगैरह तो ख़त्म हो गया। चलो यार उस साइड पे जाओ। हाँ भाई इस मुर्गी को मैं कह रहा हूँ, दोस्तों आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाएं तो आपको मैं एक मुर्गा जो है गिफ्ट कर दूंगा, हमारा सुल्तान मुर्गा उस साइड पे बनता है ना, तो एक मुर्गा ये भी है। थोड़ा सा पाँव का मसला है, अभी इतना गौर करेंगे तो पता चलता है, फिर इस तरह से नहीं पड़ता चलता। फिलहाल हाथ में पकड़ के देखता हूँ कि इसके पाँव के नीचे चिचड़ वगैरह लगे हुए, जो खून चूसने वाले चिचड़ होते हैं, पहले भी मैंने पकड़ के चेक किया था, लेकिन मसला जो है बढ़ता चला जा रहा है। और हमारा जो सुल्तान मुर्गा है वो भी आपको दिखाता हूँ, वो इस साइड पे बंद है हमारी नया मुर्गी के साथ। ये देखें इसे बाहर इसलिए नहीं निकालता क्योंकि भाई आपस में लड़ाई वगैरह हो जाती है। ये है, ये मुर्गी ने अंडा वगैरह तो नहीं दिया काफ़ी दिनों से, ये बेचारी मुर्गी मुझे लगता है कूड़क हो गई है, क्या मसला है इसे। वो सुल्तान हमारा ये हैवी किस्म क्या भाई साहब काफ़ी। ये आपको बाहर निकाल के इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई आपस में फ़ाइट वगैरह हो जाती है, जल्दी से दाना वगैरह डालना है, इनको भी दाना वगैरह रखना है और इनको भी दाना इसे रखना है। पहले इसको मैं हाथ में पकड़ के चेक कर लेता हूँ मुर्गे का क्या मसला है। ये देखें इस साइड पर लड़ाई वगैरह करने के लिए आ गए। हाँ भाई क्या करने आए उधर, उधर देख रहा है ना वो इसके साथ ना, वो काफ़ी अच्छा है आपस में, ये अगर लड़ाई वगैरह होगी तो ये हार जाएगा। क्योंकि भाई वो ताकत में अच्छा है, वो अभी जवान हुआ है तो ये भी काफ़ी बड़ी एज का, आपस में लड़ाई वगैरह होगी ना वो जीतेगा। तो इसे मैंने पकड़ना था, चेक वगैरह करना था जो है ना मुर्गे को अच्छे से पकड़ के चेक किया। भाई साहब मसला तो कोई भी नहीं है, पता नहीं पाँव उठा के क्यों चलता है, कोई अंदरूनी मसला है। तो दोस्तों दुआ करें मसला जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मोबाइल पकड़ा हुआ है छोटी ने इसलिए सही से पकड़ नहीं रही। तो फिलहाल भाई साहब भी नहा दो तो जाडी हुआ, तो मेरी हालत फिर से बुरी हो गई है। सभी मुर्गों को भी दाना वगैरह रख दिया इधर। यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक आदमी कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।